हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे सेकंड क्लासेस, हमारा सेकंड क्लास हमारा स्कोर बूस्टर सेशन का है। ईसीजी सुपीरियर एग्जामिनेशन आ रहा है आपका, ईएसआईसी यूडीसी मेंस एग्जामिनेशन है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ आरबीआई असिस्टेंट मेंस, ये सारे एग्जामिनेशन आपके लाइनअप है। और ये जो लाइनअप एग्जामिनेशन है, इनमें आपको ये सेशन काफी यूजफुल साबित होगा। पूरे सेशन को देखना, अगर सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक करना। हमारा टी शर्ट प्रिंट होके आ गया है, तो आज हमारा क्लास आपसे टी शर्ट पहन करके होगा, ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल का टी शर्ट है। ठीक है, आप हमसे नहीं जुड़े हैं फेसबुक पे तो जुड़ सकते हैं, वहां मैंने आपको अपलोड कर दिया था टीचर ये टी शर्ट के पिक। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सही सवाल है, जो कि कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। मेंस एग्जामिनेशन में आपको कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल आता ही आता है, और ये जो सवाल रहेगा ये आपको नंबर देगा। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं बनाइएगा तो आपको लगेगा ये सवाल मैंने सही बनाया है, लेकिन ये सवाल आपका नंबर निगेटिव मैनेज करके चला जाएगा। तो एक बार इसको बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या बोल रहा था सवाल। ठीक है, तो पेन सेलेक्ट कर लिया है। चलिए क्या बोल रहा है सवाल। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है। देखो, कोडेड जब भी आता है तो हम लोग कोड को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप हमसे पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग कोड को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ए परसेंटेज बी। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। तो क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारा क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन बोला। ठीक है, ए इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, मतलब ए को हम यहां बनाते हैं और बी को यहां बना देते हैं। ये जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट में आ गया बी के। ठीक है, आगे क्या बोला, बी डॉलर सी। डॉलर क्या बोल रहा, कि ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। बी जो है हमारा नॉर्थ है किसके, सी के। सी को हमने यहां बना दिया। अब क्या बोला, सी हैश डी, सी हैश डी। और हमसे पूछा क्या क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डी का क्या डायरेक्शन है ए के रिस्पेक्ट, सी हैश डी क्या है। देखो, हैश कहां है, हैश पहले ही बना है। हैश मींस ए इज टू द नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ बी। ए इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी मींस सी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ डी। साउथ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब डी यहां होगा और सी यहां होगा। अब हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में डी का डायरेक्शन क्या होगा। देखो, अगर हम इस तरीके से डी को बना दें यहां, ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, एक अगर हम डी को एकदम एग्जैक्टली यहां बढ़ा के बनाते हैं, तो देखो सी जो है हमारा वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है डी के। लेकिन अब डी कौन सा डायरेक्शन में आ गया, अब डी हमारा साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और एक और काम करें, अगर हम डी को यहां बना दे तो हमारा कौन सा डायरेक्शन में आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में आ गया डी ए के रिस्पेक्ट में। अच्छा चलो, अगर हम डी को इस तरीके से बना दे तो ए के कौन से डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर पॉसिबल। समझ लो कि इस एक क्वेश्चन में तुम्हें कितनी सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ी। ठीक है, सेशन अच्छा लगेगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो हम फ्री कंटेंट आपको देते हैं, ये पेड क्लासेस का कंटेंट रहता है जो कि आपको फ्री में मिलता है। तो चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल के साथ देखते जाइए। हमारा फ्री पजल कोर्स भी आपको लॉन्च हो चुका है, जिसमें 21 लेसन्स हैं, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये इसको बनाने का कोशिश करो। ये हमारा वन है, ये हमारा कंक्लूजन वन टू थ्री है, इसको एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। ओके, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। देखते हैं कि क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है, सिलोजिज्म का सवाल है। सिलोजिज्म में आपको क्या है, हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे। सम गोट्स आर स्मॉल, कुछ गोट जो है वो स्मॉल है। ठीक है, ऑल स्मॉल आर क्यूट, सारे के सारे स्मॉल जो है वो क्यूट है। ठीक है, ओनली अ फ्यू क्यूट्स आर गोट, ओनली अ फ्यू मतलब सम और सम नॉट, सम और सम नॉट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ओनली अ फ्यू। ठीक है, तो कुछ क्यूट तो गोट है, मतलब कुछ क्यूट ऐसे बना देते हैं जो कि गोट नहीं रहेंगे। तो हमारा ये हो गया ओनली अ फ्यू क्यूट आर गोट, और ये डायरेक्शन इस तरीके से दे रहे हैं। अब ये डायरेक्शन देने का क्या मतलब है, मेरा डायरेक्शन देने का मतलब है कि
सारे के सारे क्यूट जो है वो गोट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे गोट जो है वो क्यूट में आ सकते हैं, ठीक है। ऑल क्यूट कांट गो इन साइड गोट, बट ऑल गोट कैन कम इन साइड क्यूट, ओके। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, देखते हैं कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है, ऑल गोट्स बीइंग क्यूट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे गोट्स की क्यूट होने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि सारे के सारे गोट जो है वो क्यूट में जा सकते हैं, क्योंकि ओनली क्यू का डायरेक्शन मेरा इस तरीके से है। All goats can go inside cute because we are having only few relationship from cute to goat. Okay, so ये हमारा true हो गया। All cutes can be goats. सारे के सारे cute goat हो सकते हैं। तो ये हमारा only few, जो आप इसको समझ गए, तो मतलब समझ सकते हैं कि सारे के सारे cute जो हैं goat नहीं होंगे। इतना देर से हम यही बोल रहे हैं, ठीक है। Only a few cutes are small is a possibility. अब देखो, is a possibility बोला यहाँ पे। पॉसिबिलिटी का जब केस होता है ना, तो हमें कोई एक भी ऐसा केस मिल जाए जहाँ ये चीज वैध हो रही है, ये सही हो रही है, तो हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेट कंक्लूजन रहेगा तो कोई भी एक केस ऐसा नहीं मिलना चाहिए जहाँ ये वायलेट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी केस है, हमको कोई एक केस ऐसा मिले कि जहाँ पे सम क्यूट जो है वो स्मॉल हो जाए और सम क्यूट्स जो है वो स्मॉल ना भी हो, आर Not small, ठीक है। ये दोनों चीज हमें इस एक डायरेक्शन को प्रूव करने के लिए चाहिए। तो जो हमने बेसिक डायग्राम बनाया है ना, इसी में हमें दिख रहा है कि कुछ क्यूट्स जो है वो स्मॉल है और कुछ क्यूट्स जो है वो स्मॉल नहीं है, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा 1 and 3 follows, ठीक है। चलो पजल बनाते हैं, फ्लोर एंड फ्लैट का पजल, जो कि आपको काफी अच्छा पजल रहता है एग्जामिनेशन में, आपको हर लगभग सब एग्जामिनेशन में दिख जाता है, इसको ट्राई कीजिए। अच्छा, एक चीज हम आपको साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पर, तो हमारे चैनल पे कंटेंट को देखिए। इसी जीसीपी आरबीआई ग्रेड बी का जो हमारा पहला क्लास था, इसमें आपको मिलेगा ये हमारा पहला क्लास। फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट रीजनिंग का बैच है, हमारा फ्री पजल कोर्स है, और मेंस के क्लासेस भी अलग से चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आइएगा, तो आपको यहाँ पे हमारे सारी चीजों का यहाँ पे एक आपको अच्छे से प्लेलिस्ट में बन करके मिल जाएगा। स्कोर बूस्टर्स का अलग प्लेलिस्ट है हमारे पास बना हुआ, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के क्लास की तरफ। आज का क्लास हमारा कैसे होने वाला है, ये देखिए, आपका मेंस का ये सेशन है और यहाँ पे पजल का अलग कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट आप देखिएगा। अब आते हैं हमारे बैक टू क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 8% ALMNOPQR जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। 2 flats है ए और बी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग पेंसिल कर लेते हैं। 8% KLMNOPQR lives in a building consisting of 5 floors. 5 floor है, तो 5 floor हम लोग बना लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है। The ground floor is number 1 and the floor above is number 2, so until the topmost floor is number 5. ठीक है, ये जो हमारा usual stuff रहता है, वही usual stuff है। Flat B is to the west of A, मतलब B इधर है और A इधर है, ठीक है। एक और possibility बना लेते हैं हम लोग, B इधर है और A इधर है, ठीक है। Flat B is flat B of second floor is just above flat 1 of first floor. देखो ये जो होता है ना, अगर आप examination दे रहे हैं, देखोगे कि इतना लंबा puzzle आ गया, ये हम पढ़ेंगे कैसे। एक स्टूडेंट है, बात हो रही थी, वो बोले कि इतना लंबा लंबा पजल आ जाता है, तो उसको हम बैंक में कैसे बनाएंगे। जैसे सीजीएल तैयारी कर रहे थे, फिर बैंक की तरफ मूव किए, लंबी कहानी है। तो खैर ये था कि कैसे इतना बड़ा बड़ा पजल आ जाता है। तो ये देखो स्क्रीन पे देखोगे तो लगेगा ही कि ये पजल बहुत लंबी है, लेकिन देखो ना कि यहाँ से यहाँ तक जो पूरी बात हुई है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन रहा हमारा। कितना छोटा लाइन का पजल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना छोटा सा तो लाइन का मीन्स में आप लेके ही चलेंगे ना, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या बोला है। बोथ वैकेंट फ्लैट आर बीइंग ऑक्युपाइड, दो वैकेंट फ्लोर है। कैसे फ्लैट मेरा दो वैकेंट हो गया, देखो 8% के बारे में बात हुई थी, लेकिन जगह तो 10 निकलेगी ना, 5 into 10, तो दो वैकेंट है, दोनों वैकेंट जो है वो ऑक्युपाइड के बीच में है, ठीक है। तो ऑक्युपाइड यहाँ पे होगा, यहाँ पे वैकेंट होगा, और यहाँ पे भी ऑक्युपाइड होगा, ठीक है। मतलब दोनों जो है, दोनों वैकेंट जो है हमारा इसी तरीके से, ठीक है। देयर आर, नहीं उसके बाद क्या बोला, एन लिव्स जस्ट बिलो आर, एन जो है जस्ट बिलो आर है, आई डबल एम इमीडिएट। देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन क्यू एंड के, क्यू और के बीच में दो फ्लोर है,
ठीक है, एल लिव्स इमीडिएटली अबव वैकेंट फ्लोर, वैकेंट के इमीडिएटली अबव में एल है, ओके। एम लिव्स ईस्ट ऑफ ओ, एम लिव्स ईस्ट ऑफ ओ मतलब ओ के इधर है एम, ठीक है। के लिव्स इन द ईस्ट ऑफ वैकेंट फ्लोर, वैकेंट फ्लोर के ईस्ट में मेरा के है। क्यू लिव्स एन एन ऑड नंबर फ्लोर, क्यू जो है हमारा ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो क्यू ऑड फ्लोर, ओके। नंबर ऑफ फ्लैट बिलो एंड अबव एम इज सेम, तो यहाँ पे एम की कंफर्म जगह मिल गई। नंबर ऑफ फ्लैट देखो एम के, अगर हम एम को यहाँ पुट कर, देखो ओ के ईस्ट में है एम, एम को अगर हम यहाँ पुट कर दे तो एम के नीचे चार फ्लैट, एम के ऊपर चार फ्लैट, ओ मेरा यहाँ आ गया, एम के नीचे चार फ्लैट, ओ एम के ऊपर चार फ्लैट और ओ मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। ये जो साइड वाला ये एडजेसेंट है ना, ये बिलो नहीं है, अबव नहीं है, ये जो ओ जो है वो एडजेसेंट है, ठीक है। आर डज नॉट लिव इन फ्लैट ए, तो आर जो है हमारा बी फ्लैट में, ठीक है। अब देखो हम लोग कौन सा हिंट यूज कर सकते हैं, ये देखो वैकेंट जो था ना दोनों ऑक्यूपाइड के बीच में, मतलब वैकेंट एक यहाँ आने वाला है और इस जगह आने वाला है, तो दो केस लेकर के चलते हैं, ठीक है। वैकेंट के ईस्ट में के है, एक वैकेंट हम यहाँ करते हैं और के को यहाँ पुट करते हैं, वैकेंट हम यहाँ पुट करते हैं, के को यहाँ पुट करते हैं। क्यू और के में दो है, क्यू ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो एक दो छोड़ करके दो फ्लोर, देखो यहाँ पे एक चीज हम आपको बनाना था, देखो देयर आर टू फ्लोर बिटवीन क्यू एंड के, तो इस तरीके से ना टू फ्लोर लिख दिया करो, ताकि फ्लैट है कि फ्लोर है, दो फ्लैट बोलता तो एक दो फ्लैट छोड़कर एक क्यू मेरे यहाँ आ जाता, लेकिन फ्लोर बोला है तो और हमें थोड़ा नीचे जाने पड़ेगा दो फ्लोर लेकर के, ठीक है। तो क्यू मेरा यहाँ आने वाला है, इस वाले की जगह पे मेरा क्यू आने वाला है, इस तरीके से डोनेट कर देते हैं, इस वाले जगह में यहाँ यहाँ फिर यहाँ मेरा क्यू आने वाला है, ठीक है। एन के इमीडिएटली बिलो में आर है, एन के इमीडिएटली बिलो में आर है और आर जो है मेरा बी फ्लैट में, इस वाले केस में देखोगे तो एन मेरा यहाँ पुट होगा, इसके इमीडिएटली बिलो में आर आएगा और जब एन और आर पुट कर दिए तो मेरा क्यू यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में एन के इमीडिएटली बिलो आर है तो एन मेरा यहाँ पुट कीजिएगा, आर मेरा यहाँ पुट कीजिएगा, क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब वैकेंट के इमीडिएटली ऊपर में एल चाहिए था, तो यहाँ पे तो एक वैकेंट मेरा यहाँ चला गया और इमीडिएटली ऊपर तो यहाँ क्यू आ गया, यहाँ ओ आ गया, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत, वैकेंट के इमीडिएटली अबव में एल मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। आर जो है हमारा बी फ्लैट पे है, ठीक है, हो गया ओके। वैकेंट के आपको ये यहाँ पे राइट में है, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं किसको, एक मेरा वैकेंट मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको पाइट के दोनों बीच में रहेगा। एक हमारा कौन सा बचा, एक हमारा बचा के एल एम एन ओ पी, पी हमारा यहाँ आ जाएगा, यह हमारा पजल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें आपको करना है क्रिटिकल रीजनिंग, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जामिनेशन का। टू कंट्रीज इंडिया एंड बांग्लादेश फाइनली हैव कम टू द डिसीजन टू रन बस बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया और बांग्लादेश फाइनली इस डिसीजन पे आए हैं कि हम लोग बस सेवा स्टार्ट करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। Which of the following may be the effect of such step? ये जो step लिया गया, ये जो कदम लिया गया, इसका effect क्या होगा? पहला effect है there will be more development in the financial and economical scenario of both countries. Financially और economically दोनों country develop करेंगी. More people will travel to both countries. ज़्यादा लोग एक दूसरे countries में जाएंगे. तीसरा, strategic partnership between the two countries will increase manifold. Strategic पार्टनरशिप जो दोनों कंट्री के बीच में है वो काफी गुना बढ़ जाएंगे, मैनीफोल्ड बढ़ जाएंगे, ठीक है। चौथा, दिस विल डिक्रीज टेंशन अक्रॉस द बॉर्डर, ये जो बॉर्डर के अक्रॉस टेंशन है ना वो आपको डिक्रीज होगा। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑल आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑल आप इसका जवाब नहीं दे सकते, लग तो ऑल रहा है लेकिन क्या होगा, तो चलते हैं देखो। ये हमारा ओनली वन एंड टू हमारा होगा, देखो क्यों होगा। अब देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इंक्रीज मैनीफोल्ड, एक दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री के बीच में आपको इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिर्फ एक बस ही सेवा किसी भी दो कंट्रीज के बीच में शुरू कर दोगे और सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी,
नहीं, इसके लिए और फैक्टर्स भी कंसर्न करने पड़ेंगे, और ये दिस विल डिक्रीज टेंशन अक्रॉस द बॉर्डर। ये कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि जहां से बेस्ट सर्विस जा रही है कि वहां पे आपको टेंशन कम हो, लेकिन दूसरी जगह यहाँ पे टेंशन थोड़ा सा ज्यादा रहे। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ये नहीं कह सकते हैं कि टेंशन कम ही हो जाएगा बस एक सेवा स्टार्ट करने से। तो हमारा जो ऑप्शन वन है कि हाँ इकोनॉमी मोर डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियली डेवलप होगा, इकोनॉमिकली सिनेरियो दोनों कंट्री में बढ़ेंगे, बस सेवा जा रही है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सामान भी बढ़ेगा। ओके मोर पीपल, जब बस सेवा स्टार्ट हुई तो यही रख के स्टार्ट हुई कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो कि आपको दूसरा रूट करते थे, बस सेवा स्टार्ट हुई तो ज्यादा से ज्यादा लोग बस रूट ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही जवाब रहेगा। स्टेटमेंट में आते हैं फिर क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल आपके सामने। नियरली 90% ऑफ द एम्प्लॉयबल पीपल डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग पोस्ट पोजिंग अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट स्किल इंडिया कैंपेन। जो हमारा 90% जो इम्प्लॉयबल पीपल है जिन्हें जॉब लगी है, वो आपको किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिला है। ये क्या कर रहा है, एक चैलेंज पुट कर रहा है किसके लिए, इंडिया गवर्नमेंट का स्किल इंडिया कैंपेन। अब हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कौन सा ये जो ए बी सी डी 1 2 3 4 5 जो हमारा ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मजबूती दे रहा है ये स्टेटमेंट को, ठीक है, स्ट्रेंथन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑफिशियल डाटा जस्ट ओवर 1 in 10 एडल्ट रिसीव ट्रेनिंग। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 10 में से सिर्फ एक ही एडल्ट को ट्रेनिंग मिलता है। दूसरा, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट सपोर्ट टू गेट द टारगेट ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू 40 करोड़ पीपल बाय 2022। जो हमारा कॉर्पोरेट सपोर्ट काफी ज्यादा है कि हमें 40 करोड़ पीपल को 2022 तक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रेंथ कर रहा है, पहला वाला भी स्ट्रेंथ कर रहा था। अब देखते हैं तीसरा क्या बोला, बोथ 1 and 4, तो चलो फोर्थ को चेक करते हैं। द रेट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हैड बेयरली इंक्रीज फ्रॉम 2004 से 5 या 2015 से 16, ठीक है, चलो यहाँ पे ईयर रेंज दे दिया, यहाँ पे 2004-5 चलो यही रखो, ठीक है, ईयर जो भी रखो, ये हमारा एक ईयर दिया, लेकिन यहाँ पे यह बोला कि बेयरली इंक्रीज, थोड़ा बहुत बड़ा है, तो ये तो हमारा कुछ स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, मजबूती नहीं दे रहा, तो हमारा फोर्थ तो नहीं होगा। तो ये गया हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा, हमारा 1 and 2 होगा, सॉरी 1 and 2 यहां कर लीजिएगा, 1 and 2, हमारा 4 वाला गया, ओके 4 गया, तो ये भी गया, ये भी गया, 1 and 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A large private bank has decided to retrench 30% of its employee in the view of the huge losses incurred by it during the past 2 quarters. Retrench मतलब होता है fire करना, ठीक है? एक private sector bank है, वो decide किया है कि 30% अपने employee को जो huge loss है इसके इसके एवज में fire कर देगी। तो आपको इसमें से क्या बनना है कि आपको ये इसमें से हम कौन सा option choose करें, कौन सा option choose करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन आपको बताना है, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम आपको ये वाली आपको काफी लगेगा स्टूडेंट्स को कि ऑल एम्प्लॉयज शुड स्टार्ट एजिटेशन अगेंस्ट द स्टेप ऑफ द बैंक, सारे एम्प्लॉयज को एजिटेशन स्टार्ट करना चाहिए, ये हमारा एक कोर्स ऑफ एक्शन आपको लगेगा, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। चलो हम देखते हैं, वो गलत जवाब है, इसीलिए मैंने उसे हाईलाइट करके रखा, ठीक है, क्यों, देखो अब हम एक एक करके डील करते हैं। द गवर्नमेंट शुड इशू अ नोटिफिकेशन टू जनरल पब्लिक टू स्टॉप ऑल ट्रांजैक्शन इमीडिएटली विद द बैंक। तो अगर बैंक के निकाल रही है तो गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेगी कि उस पूरे बैंक को गिरा दे, ठीक है, सभी अगर पब्लिक डीलिंग नहीं होगी बैंक की तो बैंक को काफी लॉसेस होगा, तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इशू नोटिफिकेशन नहीं करेगी कि इस बैंक के साथ आप काम ही मत कीजिए, ठीक है, ओके। द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर द बैंक नॉट टू डू सो, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट उस बैंक को बोलेगी तुमको ऐसा नहीं करना है। तो कहां से, बैंक के पास लॉसेस हो रहा है, तो बैंक जो है उसको सैलरी अगर उसके पास देने का नहीं है अपने एम्प्लॉयज को, तो अगर गवर्नमेंट मना भी करेगी तो वो अपना वैलिड स्टेटमेंट देगी कि हम नहीं कर सकते हैं, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, तो ये भी हमारा वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लग रहा है। अब एजिटेशन, अगर सारे एम्प्लॉय एजिटेशन कर देंगे तो उससे हमें फायदा क्या होगा, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज अगर एजिटेशन करने लगे, लेकिन हर बार आप अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो ये बात थोड़ी है कि आपकी सारी डिमांड्स मान ली जाती है, हो सकता है आप एजिटेशन कीजिए, बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक निकाल देगा, ठीक है, तो ये हमारा केस हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, अदर देन गिवन ऑप्शन, ठीक है, अब जो रहे हमको नहीं लेने देना है कि इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, हमको बस सामने ये क्वेश्चन आया और हमको आंसर टिक करना है, हम अदर देन गिवन ऑप्शन करेंगे, ओके, और फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो आपको कैसा लगा आज का क्लास, आप बताइएगा, आप
हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। ओके, हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।